नमस्कार, आप देख रहे हैं ग्लोब न्यूज झारखंड। मैं नंदिता आपके साथ। आइए नजर डालते हैं आज के समाचारों पर। ग्लोब न्यूज झारखंड स्पॉन्सर्ड बाय सीटीए एविएशन एंड हॉस्पिटलिटी मैनेजमेंट। जमशेदपुर स्थित बिष्टुपुर के साइबर थाने में टेक्नोलॉजी की कमी के कारण साइबर अपराध रोकने में पुलिस नाकाम साबित हो रही है। साइबर अपराधी सोशल साइट्स पर छेड़खानी के नए नए तरीके आजमा रहे हैं। कोई अश्लील वीडियो की सहायता से छेड़खानी कर रहा है तो कोई सोशल साइट्स पर लड़कियों की फोटो से चेहरा बदल कर उन्हें बदनाम करने की कोशिश कर रहा है। लॉ नगरी में आए दिन ऐसी घटनाएं घट रही है। ऐसे ईमेल से आप सावधान रहें जो गवर्नमेंट या कोविड 19 से मिलता जुलता, क्योंकि इस तरह के जो ईमेल वगैरह हैं ये हैकर्स के द्वारा उपयोग में लाए जा सकते हैं आपका डेटा चुराने के लिए। आदिपुर के सालडी बस्ती में पिछले दिन एक नाबालिग युवती का शव मिलने के बाद पीड़ित परिवार से मिलने पहुंचे शिवमुंग के सांसद गीता कोड़ा। श्रीमती गीता कोड़ा ने पीड़ित परिवार को सरकार की ओर से उचित मुआवजा दिलाए जाने के साथ कानून की ओर से भी मुआवजा दिलाने का भरोसा दिलाया। वहीं उन्होंने इस मामले को लेकर राज्य के मुख्यमंत्री को भी अवगत कराने की बात कही। उधर पुलिस का पक्ष जानने श्रीमती कोड़ा आदिपुर थाना भी पहुंची। हम लोग चाहते हैं कि जो भी घटना हुई है इसके पीछे जो भी दोषी है उस पे सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए और इस बच्ची को इंसाफ मिलना चाहिए। और अभी मैं जाऊंगी, मैं प्रशासन का पक्ष भी जरूर सुनूंगी कि भाई क्या कारण है कि आपने इतना विलंब किया। जिस तरीके से आज परिवार ने बताया है कि घटना 17 तारीख की 18 को कंप्लेन हुआ है, उसके बावजूद कोई खोजबीन नहीं हुई है, तो क्या कारण है? मैं जरूर अभी जा ही रही हूँ, मैं प्रशासन का पक्ष भी सुनूंगी। लेकिन हम लोग चाहते हैं कि इस बच्ची को न्याय मिले, इंसाफ मिले, इसके परिवार को इंसाफ मिले। जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि भारतीय जनता पार्टी द्वारा मंगलवार को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस दौरान पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास सहित भारतीय जनता पार्टी के कई कार्यकर्ता मौजूद रहे। आपको बता दें कि 23 जून 1953 को कश्मीर के अब्दुल्ला कारागार में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की रहस्यमयी मौत हो गई थी। उसके बाद से लेकर आज तक भारतीय जनता पार्टी जनसंघ के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मना रही है। इधर इस मौके पर जमशेदपुर में भी भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र पर माल्यार्पण कर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि देते हुए उनके बताए आदर्शों पर चलने की प्रेरणा ली। राज्य भारतीय जनता पार्टी पूरे देश में बलिदान दिवस के रूप में डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी के बलिदान को याद कर भारत की अखंडता, अस्मिता और संस्कृति की अभिलाषा के सपनों के लिए बलिदान हुए बलिदानी डॉक्टर श्यामाप्रसाद मुखर्जी की जीवन गाथा हम सभी देशभक्तों को देश के लिए बलिदान होने की प्रेरणा देती है। भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी के पुण्यतिथि को भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय नेतृत्व के दिशा निर्देश पर पार्टी ने बलिदान दिवस के रूप में मनाने का निर्णय लिया है। जिनके जो अपने आप को पूर्ण रूप से भारत में कश्मीर को मिलाने को लेकर जिन्होंने अपना सर्वस्व निछावर किया, अपने जीवन का बलिदान दिया। जमशेदपुर के एमजीएम थाना अंतर्गत डिमना चौक पर दो गुटों के बीच हिंसक झड़प में दोनों ही पक्ष के दो सदस्य बुरी तरह से घायल हुए हैं, जहां दोनों ही पक्षों के घायलों को एमजीएम अस्पताल लाया गया, जहां सभी का इलाज चल रहा है। वहीं दोनों ने एक दूसरे पर लाठी डंडे और रॉड से वार करने का आरोप लगाया है। एक पक्ष पुराने रंजिश के कारण दूसरे पक्ष पर 8-10 लोगों के साथ हमला करने का आरोप लगा रहे हैं, तो दूसरा पक्ष रंजिश से इनकार करते हुए पहले पक्ष पर ही गुंडों के साथ मिलकर लाठी डंडे और रॉड से ऑफिस में घुसकर मारपीट का आरोप लगाया है। बताया जाता है कि मनोज सिंह एमजीएम थाना अंतर्गत मधुसूदन कॉम्प्लेक्स में रहते हैं, जहां बबलू सिंह के साथ सोसाइटी का विवाद चल रहा है। नवीन सिंह को बबलू सिंह का समर्थक बताया जा रहा है। थाने को घटना की सूचना मिलते ही पुलिस पूरे मामले की तफ्तीश में जुट गई है। सोसाइटी में आया था और एक बार धमकाया था। सोसाइटी में मेंटेनेंस को लेकर के एक बबलू सिंह है हमारे सोसाइटी में, उनके यहाँ कुछ मेंटेनेंस बकाया था सोसाइटी का, उसी को लेकर के विवाद हुआ। विवाद था, उसमें हम गए थे पंचायती करने, उसके लेकर वो लोग का विवाद था हमसे, उसको टेंशन था, बोला तुम हीरो बनता है, सब जगह पंचायती कर जाता, जिसके कारण लोग मेरा ऑफिस में आके मारपीट किया। मनोज सिंह के साथ 7-8 आदमी और थे, लाठी डंडा से लैस होकर आए थे डीमना चौक पर और मेरे साथ मारपीट किया, जिसमें मेरा सोना का चैन भी छिनतई हुआ है। जिम संचालकों को लॉकडाउन के कारण लगे प्रतिबंधों के कारण अब तक राहत नहीं मिलने से शहर के जिम संचालक उपायुक्त कार्यालय पहुंचे, जहां इन्होंने जिले के उपायुक्त से मिलकर एक ज्ञापन सौंपा। वहीं उन्होंने शहर के जिम खानों को खोलने की अनुमति दिए जाने की मांग की है। वैसे जिले के उपायुक्त से उनकी मुलाकात नहीं हुई।
सारे जमशेदपुर के सारे जिम के ओनर्स और ट्रेनर्स यहाँ मौजूद हैं, और इससे पहले भी 12 तारीख को हम लोग यहाँ आए थे पहले भी, और यहाँ पर अपना एक एप्लीकेशन दे के गए थे। क्या मांग कर? बस यही हमारी मांग है कि जल्द से जल्द जिम ओपन किया जाए। जैसे अभी झारखंड जमशेदपुर में सब जगह सारी दुकानें खुल रही हैं, सारे मॉल खुल रहे हैं, और अभी कुछ दिनों से मैं देख रहा हूँ कि रेस्टोरेंट्स में भी थोड़ी थोड़ी भीड़ हो रही है, और जैसे हमारा जिम है ये टोटली क्लोज्ड है, पिछले 3-4 महीने से टोटली क्लोज्ड है, एक रुपया हम लोग को नहीं आ रहा है वहाँ से। झारखंड के जमशेदपुर के बागबड़ा थाना क्षेत्र के एक छात्रा जिसका नाम मुस्कान दुबे व साइबर अपराधी की शिकार हो गई। मुस्कान बताती है कि साइबर अपराधी ने उसके खाते से 34,000 रुपए की निकासी कर ली है। वह इसकी शिकायत लेकर मुस्कान पहले बागबड़ा थाना पहुंची, जहां से बिष्टुपुर स्थित साइबर थाना भेज दिया गया, जहां मुस्कान ने शिकायत दर्ज करा दी है। मुस्कान ने जमशेदपुर साइबर थाना पुलिस से साइबर क्राइम पर नकेल कसने की अपील की। मामला हुआ कि हमारे साथ की मैं बैंक से पैसा निकलाया गया बिना मेरी जानकारी के। वो बैंक गई तो बैंक वालों ने मुझे बोला कि आप ऑनलाइन शॉपिंग किए हैं, और जिस जगह मैं रहती हूँ वहाँ कोई ATM ही नहीं है। एक्चुअली मैं बागबड़ा में रहती हूँ, वहाँ बोलते वहाँ आपकी मर्जी से पैसा निकाला गया। तो फिर मैं थाना गई, बैंक वालों मुझे थाना भेजा, फिर थाना से फिर मैं बैंक जाऊँ। जमशेदपुर के बिष्टुपुर थाना अंतर्गत धतकीड़ी के रहने वाले किन्नरों ने आज SP से मुलाकात करने आए की गुहार लगाई है। इन किन्नरों का आरोप है कि भू माफियाओं ने इनके मकान को तोड़ा और सामने मंदिर को भी ध्वस्त कर दिया है। वैसे किन्नरों का कहना है कि भू माफियाओं ने जान से मारने की धमकी भी दी है। हालांकि इस मामले में सभी किन्नर स्थानीय थाना पहुंचे, जब थाना ने कोई कार्रवाई नहीं की तो SP दरबार पहुंचे और SP से न्याय की गुहार लगाए हैं। उधर CT SP ने इस मामले को काफी गंभीरता से लिया और मामले की जांच को आदेश दे दिया है। धतकीड़ी मेडिकल बस्ती की साहिबा किन्नर रहने वाली हूँ मैं, हमेशा वहीं से पे हम मतलब रहती हूँ 3-4 पीढ़ी से। मेरा मंदिर घर सामने में है, और मेरा मंदिर को मुझे बोला नहीं, कुछ नहीं, अचानक मैं जानती भी नहीं आके मेरा मंदिर को तोड़ दिया। समय सूरज मुखिया जेसी मल्लिक रोड स्थित भाजपा कार्यालय में मंगलवार को डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की पुण्यतिथि को बलिदान दिवस के रूप में मनाया गया। इस निमित्त जिला मुख्यालय में परिसर में आयोजित इस कार्यक्रम का शुभारंभ जिला अध्यक्ष चंद्रशेखर सिंह द्वारा किया गया। धनबाद सांसद PN सिंह, धनबाद विधायक राज सिन्हा तथा पूर्व महापौर चंद्रशेखर अग्रवाल ने श्यामा प्रसाद मुखर्जी के चित्र के समक्ष पुष्प अर्पित किया गया। भारतीय जनसंघ जो कालांतर में भारतीय जनता पार्टी बना, इसके संस्थापक अध्यक्ष डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी की उनकी थी है। हम डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी जी को याद करते हैं, जिन्होंने भारत की एकता अखंडता के लिए कश्मीर में बलिदान देने का काम। बंगाली कल्याण समिति के सदस्यों द्वारा लद्दाख के गलवान घाटी में वार्ता करने गए निहत्थे भारतीय जवानों पर चीनी सैनिकों द्वारा जानलेवा हमले में वीरगति प्राप्त 20 जवान तथा चीनी सैनिकों के इस कार्यता के विरोध में बंगाली कल्याण समिति के द्वारा एक विरोध प्रदर्शन रणधीर वर्मा चौक पर किया गया। समिति के सदस्यों द्वारा चीनी राष्ट्रपति सी चिनपिंग का पुतला जलाया गया तथा चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने की अपील की गई। समिति के प्रत्येक महिला पुरुष सदस्यों ने एक एक मोमबत्ती जलाकर देश के शहीदों को श्रद्धांजलि दी गई। इस कार्यक्रम में समिति के सदस्यों द्वारा चीनी उत्पादों का बहिष्कार करने का संकल्प लिया गया। चाइना का जो मुखिया है मिस्टर जिनपिंग, उनका पुतला दहन किए, साथ साथ में आज के बंगाली कल्याण समिति के मंच से धन्यवाद गया अवाल मित्र बनीता पूरे जनता से अपील करता हूँ, जब चाइना के सामान को बहिष्कार करे। पोटका थाना क्षेत्र के तेंता पंचायत सचिवालय में ग्रिल के सहारे छत पर चढ़कर अज्ञात चोरों द्वारा सचिवालय के अंदर रखे एक स्कूटी को लेकर भागे। वहीं पंचायत सचिवालय के कंपाउंड में 2 क्वारंटाइन सेंटर बने हुए हैं, जिसमें 26 प्रवासी मजदूर हैं। इसके बाद भी किसी को भनक तक नहीं लगी। पोटका पुलिस थाने में पंचायत के मुखिया ने मामला दर्ज कराया है, जिसके बाद पोटका पुलिस जाँच में जुट गई है, लेकिन अब तक पुलिस को किसी तरह का सुराग नहीं मिल पाया है। पैर का निशाना दिख रहा है, लेकिन खिड़की से होते हुए ऊपर चला गया, और ऊपर से मतलब इधर उधर खोजबीन कर रहा होगा चोरी करने के लिए, लेकिन कुछ तो नहीं मिला। लेकिन स्कूटी का साथ ही मतलब चाबी था, और ताला जो था ताला खोल के अपना स्कूटी निकाल के लेके गया। जमशेदपुर में होटल और रेस्टोरेंट समेत तमाम जरूरी खाना पहुंचाने वाली एजेंसी स्विगी के कर्मचारी हड़ताल पर चले गए हैं। कर्मचारियों का कहना है कि पहले उनको ज्यादा पैसा मिला करता था और अब उनके पैसों को घटा दिया गया है।
प्रॉब्लम क्या दिक्कत? प्रॉब्लम देखिए ये हो रहा है कि हम लोग का साथ में सबसे पहले बात है कि कंपनी है ना लोड शेयर कंपनी, पहले हम लोग स्विगी बंडल टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड में काम करते थे। लोड शेयर प्राइवेट लिमिटेड बोल के अभी कंपनी आ गया है, वो पर ऑर्डर हम लोग को 22 रुपया दे रहा है, ठीक है। पर ऑर्डर में आपका 22 किलोमीटर आपका रेस्टोरेंट से कस्टमर का घर यदि 5 किलोमीटर के रेडियस में है तो आपको 6 किलोमीटर के रेडियस में है तो आपको 22 रुपया मिलेगा, जो कि हम लोग को उस पीरियड में पोसाएगा नहीं। AGIHM Institute of Hotel Management Registered by Government of India Craft Course एवं Diploma Course Practical Class की सुविधा एवं 100% Job Placement करें अपने सपने को साकार। संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management 3rd Floor DX State Center Near Ram Mandir Opposite Bandhan Bank Bistapur Jamshedpur। हमारा फोन नंबर 7004615405 एवं 9204579353। अपने सपने को साकार करने के लिए आज ही संपर्क करें SGIHM Institute of Hotel Management।